अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे और मज़े से ज़िंदगी गुजारें। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम आज आपको किस चीज़ के बारे में बताएंगे। और आप लोगों को तकरीबन टाइटल से पता चल चुका होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में। हाँ जी, तो ये मेरी वीडियो आज की है ग्रीन टी के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग किस तरह ग्रीन टी को पी के आप लोग अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के साथ ग्रीन टी की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप लोगों को फास्ट वेट लूज़ करने में हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं ग्रीन टी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए ग्रीन टी। तो ये है मेरे पास सी ग्रीन टी तपाल वालों की, एप्पल फ्लेवर है मेरे पास। तो आप लोग ये वाली तपाल वालों की ग्रीन टी ले लें, अच्छी है, 100% रिज़ल्ट है इसका। नंबर दो के ऊपर चाहिए हमें जी अजवाइन। अजवाइन जैसा कि आप लोग जानते हो कि अजवाइन आप लोगों की सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, बहुत से गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम होते हैं इंसान को, उनको हल करने में भी मदद देती है। तो नंबर तीन पे हमें चाहिए मिंट लीव्स, यानी पुदीने की पत्तियाँ। नंबर चार पे जो हमारे पास चीज़ है वो है लेमन। आप लोगों को पता है कि लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और हमारी बॉडी से फासल मादों को निकालता है। नंबर चार पे चाहिए हमें ककम्बर, यानी खीरा। खीरे के बारे में भी आप लोग जानते हो कि खीरा हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट रखने में मदद देता है। तो चलिए अपनी ग्रीन टी बनाने की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कि हम किस तरह ग्रीन टी बनाएंगे आज। तो सबसे पहले ग्रीन टी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी। तो हम लेंगे 1 कप पानी। तो इस हाँ जी, तो हमें चाहिए 1 कप पानी। मैंने गिलास लिया क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि किस तरह मैं ग्रीन टी बनाऊंगी, तो उसका कलर जो आएगा वो आप लोगों को नज़र आए। अब हम लोग इस पानी को क्या करेंगे, हम अब इस पानी को कर लेंगे गर्म। पानी को मैंने इस इलेक्ट्रिकल कैटल में डाल दिया। अब जब गर्म होता है तो मैं आप लोगों को ग्रीन टी बनाने का तरीका बताती हूँ। तो नाज़रीन पानी हो गया गरम, तो अब इसे डालते हैं इस गिलास के अंदर। अब हम सबसे पहले जो चीज़ है वो डालेंगे अजवाइन इस पानी के अंदर, क्योंकि पानी मैंने बस मीडियम गरम किया, मतलब दरमियाना गरम किया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पानी का गरम नहीं करना। तो ये देखिए इतनी सी अजवाइन लेनी है आप लोगों ने, वो आप लोगों ने इसके अंदर मिक्स कर देनी है इस तरीके से। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसके अंदर मिंट लीव, यानी पुदीने की पत्तियाँ, उनको भी अच्छी तरीके से हम लोग कर लेंगे मिक्स। नंबर तीन पे जो हम लोग चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लेमन। तो चलिए अब इसके अंदर लेमन डाल देते हैं। आप लोगों ने इस तरीके से लेमन डालना है, इसको आप लोगों ने निचोड़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, नंबर चार पे जो चीज़ हम लोग डालेंगे वो है क्यूकम्बर, यानी खीरा। ये देखिए खीरा भी हम लोग इसके अंदर डालने लगे हैं और इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। और एंड पे जो चीज़ हम लोग डालेंगे वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी का साशे आप लोगों ने इस तरीके से कुछ इसके अंदर डाल देना है और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसके अंदर ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आप लोगों ने 5 मिनट के बाद इस ग्रीन टी को पीना है। वो पीना किस तरीके से है, आप लोगों ने जब खाना खा लिया, खाना खाने के ठीक 10 मिनट के बाद आप लोगों ने ग्रीन टी को पी लेना है। और याद रहे आप लोगों ने ग्रीन टी जो है गर्म इस्तेमाल नहीं करनी, ग्रीन टी को आप लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर पे ही यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा गर्म ग्रीन टी इस्तेमाल करोगे वो आप लोगों को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगी। तो ये देखें हमारी ग्रीन टी हो गई है बनके तैयार, तो हम अब भी इसे पियेंगे। तो चलिए इसी, तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।